कृष्णा, हरे आज हम कृष्ण माता जी, आपन हरे कृष्ण माता जी, कौन तो माता जी? केमती अछंदी? नहीं भल माता जी, एबे भल माता जी, आपन मन का कृपा रही छी माता जी, भल। ओके थैंक यू। खाली कौन आलोचना आइतिला माता जी, कौन तो आप? कली आपन फर्स्ट रे, फर्स्ट पॉइंट रे कोई पांच प्रकार उपासक, शुद्ध भक्ति, मिश्रित विश्वरूप, देवता निर्विशेष एवं तीनोटी अंतर्जमी विषय कही थिले, ब्रह्मा परमात्मा भगवान, से पॉइंट गुड़ा भल लगला। माताजी आपण कही थिले सकाळ उठला बेले ठाकुर को प्रणाम करिया पई, हेले मु गोटे कथा कहूची, ठाकुर को प्रणाम करिया पई ठाकुर पाखु जिबा दरकार नै, सकाळ उठला बे उठु उठु निज हात देखिबा दरकार, कारण कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूल च गोविंद, प्रभात कर दर्शन, से निज हात देखी दिन आरंभ कले शुभ होता है। आम हाथ के जदि आम भगवान को स्मरण करिया ताहा मध्य शुभ टू आहुरी शुभ होइथे। माता जी जदि आम भगवान को से हाथ रे भी जदि आम भगवान को स्मरण करिया पई चेष्टा करिया, भगवान को दर्शन करिया पई, अर्थात आम मन रे हृदय रे सेते बेले भगवान रे दरकार। आपण ठाकुर घर को न जातु, आपण उठिकी जदि भगवान को स्मरण करि सेठी नमस्कार करुछंती ताहाले ता शुभ टू भी आहुरी अति शुभ होइथे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ कौन तो माता जी, शांति माता जी। ना मुझे जो ही लेने माता जी, वो लिंक देखो तो नहीं पूर्ण लिंक रो ट्रायल का लगो है लाभ है। ओह कौन तो माता जी। हरे कृष्ण उन्नति माता जी, कौन तो इन्होंने उदाहरण देख ले, ब्रह्मा परम ब्रह्मा भगवान, तार उठे उदाहरण देख ले जे गोटे गाँव रे जन लोक अतिथि हिसाब से आसिले, तो सी आसिले तो समस्ते भल भाव प्रशंसा माने खातिरदारी बहुत भलरे कले कला, से पचारे तुम्हें आसिल कई थी आसिल, तो सी कहले मु ट्रेन रे आसमी, से गाँव रे भी ट्रेन आसी न था कि ट्रेन देखी न था, तो से बहुत आश्चर्य होगले तुम ट्रेन रे आसिल, ट्रेन देखा केमी ना, सी कहले गाँ लोक कहले हम गोटे कम कर, तीन जन लोक को आम पठेबा ट्रेन देखिकी आस, ट्रेन केमी देखा, तो से तीन जन लोक जो गले देखापी से जड़े आगे जा देखले ट्रेन टा बहुत दूर आसुची, खाली लाइट फोकसिंग टा पड़ू, तो सी कहले ट्रेन लाइट देखी ट्रेन ट्रेन देखी ट्रेन देखी, तो सी खुशी हाथ ये करे ताली मारिकी पलैले। द्वितीय जन टा सी जा देखले जे ट्रेन ले इंजिन अच्छी ट्रेन बगी अच्छी, से कहले मु भी ट्रेन देखी ट्रेन देखी, खुशी की सी भी पलैले। थार्ड लुक जी सी कहले ना मु भल कि ना देखी ट्रेन भितर किस किस अच्छी ट्रेन टा केमी, तो सी जा देखले ट्रेन रे बगी अच्छी, इंजिन अच्छी, लाइट अच्छी, पंखा अच्छी, टॉयलेट अच्छी, सब जिन देखिकी सी गाँ को आसिले। तापर गाँ लोक पचारे तो जड़े कहले मु ट्रेन ले लाइट देखी से ट्रेन से भाया, आउ जड़े कहले समस्ते कहले यहा माने होची जे कि मतलब ये जीव जत ध्यान करे किसी लोक अच्छा ब्रह्म ब्रह्मवादी अच्छा ध्यान करते करते से ब्रह्म तो जानती ब्रह्म लोक तो जानती, आउ किसी लोक अच्छा ध्यान करते ध्यान करी करी सी ब्रह्म ज्योति तक जानती, जे भगवान को शरीर ज्योति टा बाहर ता पर्यंत पहुंची पारती, आउ जे भगवान को भक्ति करे से भक्ति करला परे से पूरा भगवान को वैकुंठ धाम जाए। हरे कृष्ण। हरि बोल। माता जी पूरा स्टोरी एग्जांपल पूरा फुल मन रखी था सब दिन, वो बहुत सुंदर माता जी, एवं आउ के कहबे वंदित माता जी कुछ कहबे? हरे कृष्ण माता जी। हरे भक्ति योग रे भगवान अर्जुन को कहउछन जे जो जो भक्त माने मोठरे निरंतर भावे भजन ध्यान रे लागी रही था भक्त माने श्रद्धार सहित मते अर्थात सद्गुण रूप भावे मते ध्यान करती से माने योगी हुंती उत्तम योगी हो पारती। जो माने भक्ति भक्ति उपरोक्त भक्ति करती भक्ति करिवारे मध्य असमर्थ होउछंती से माने मो पई कर्म करिवारे ही परायण हुंती,
से मो जल्दी मो पाख को नहीं जाए भगवान श्रीकृष्ण कहते जे जो मैंने अभ्यास 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 द्वारा अभ्यास ठारु ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ठारु ध्यान श्रेष्ठ ध्यान अपेक्षा मध्य सब कर्म फल त्याग श्रेष्ठ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बहुत सुंदर माता जी। पूजा रानी माता जी, पुष्पांजलि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भक्ति आमको दुई प्रकार कहते जोटा कि आम गोटे हृदय सहित भक्ति करू आ गोटे बुद्धि सहित भक्ति करू दुईटी भी बहुत भल लगे। मत कल गोटे कथा बहुत भल लगी भगवान अर्जुन कहते जे लोके जे साकार रूप उत्तम जोगी किए जे मत साकार रूप से पूजा करे से ही मान मान फल प्राप्ति पाए मान गोटे साकार हूँ निराकार निराकार रूप से पूजा कले कौन हम आम जो ध्यान कर मन कर आम गोटे आलोक आलोक देखे भक्ति करवा भक्ति कले कौन हम ना आम बेटी समय कर धर्ज भी रही है जो विग्रह रही है गोटे मूर्ति रोटे फटो रही से मूर्ति की देख फटो को देखी आम बहुत समय भगवान ठार मन लगे प्रार्थना कर भजन कीर्तन कर भक्ति करेणु साकार रूप से यदि आम भगवान को प्रार्थना करवा भक्ति करवा आम निश्चित फलप्रद हे कृष्ण बहुत सुंदर भगवान कहते मो ठारे मन लगाओ बुद्धि लगाओ मो ठारे ही निवेश करें सन्देह ना जदि मान दृढ़ रूपे चित्त आम निवेश न कर अभ्यास द्वारा अभ्यास रूप युग द्वारा भी सेटा तमें करी पारिबा अभ्यास कर भगवान को मान सबुदिन सका संध्या जाए केवल अभ्यास द्वारा ही स्मरण कर हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रभु सब कहीदे लास्ट सकाल भगवान को उठी जो भक्ति करते जो दुखित सन्धार जो भगवान को सकाल गोटे दिन भगवान को निजर दुख भगवान गोटे लास्ट कहते मन तो आज आम 13 अध्याय चैप्टर 13 13 अध्याय त्रयोदश अध्याय आम चर्चा करवा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवाह योग विभाग योग हरे कृष्ण कृष्ण कने कहवा चाहछ कहवा कि चाहछ आज्ञा माता जी कह एक गांव में बहुत बड़ा अच्छा ग्रेजुएट है इंसान किया था तो गांव में सब पूछते किधर से आए आप किधर से आए आप कैसे आए सो वो बोलता है कि ट्रेन से आया तो सब लोग अक्षम्य करते ट्रेन से आया क्योंकि वो गांव वालों ने कभी ट्रेन नहीं देखा था तो सब लोग जिद करने लगते कि हमें ट्रेन देखना ट्रेन देखना है तो उनमें से कुछ 3 खाना जो ट्रेन देखने को जाएंगे तो रात के बाद जब सुबह जल्दी उठे उठ के ट्रेन देखने को गए जब वो ट्रेन देखने को गए तो पहले दूर से ट्रेन होता तो उसमें बस के प्रकाश को देखा रही थी तो उसने ट्रेन कुछ
से चले जाता है कि मैंने ट्रेन देख लिया ट्रेन देख लिया। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं थोड़ी देर रुक के देखूंगा, फिर उसका इंजन डिब्बा देखता है तो वो कहता है कि ट्रेन की तरह डिब्बा है, तो वो खुश होकर ऐसा करता है। अच्छे से इंतजार करके अच्छे से ट्रेन को देखूंगा। जब ट्रेन आता है तो उसे देखते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर इंसान नहीं है, पंखा है, सोने के लिए बैठने के लिए जगह है, सीट है, तो उसे कहते हैं देखा था। वैसे अच्छे कर्म करते ब्रह्मा मिलता है, तेरो अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विवाह जोग चर्चा करिया प्रकृति पुरुष एवं चेतना कौन आम चर्चा करिया। अर्जुन प्रथम नंबर श्लोक अर्जुन प्रश्न करुछन्ति भगवान को प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् व्यतीतुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। अनुवाद श्लोक प्रभुपाद द्वारा श्लोक प्रभुपाद की जो एवं तापर द्वितीय नंबर श्लोक कृष्ण अर्जुन जो प्रश्न उत्तर दौरान इदम शरीरम कुंतेय क्षेत्र नित्यं विधेयते एतज्ज व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अनुवाद श्लोक प्रभुपाद की जय। अर्जुन कहले हे प्रिय कृष्ण मु प्रकृति पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पुनश्च ज्ञान ए ज्ञेय कथा जानवा को इच्छा करे। तत्पर भगवान कहले हे कुंती पुत्र ए शरीर को क्षेत्र कहा जाए एवं जे ए शरीर कथा जाने ताकू क्षेत्रज्ञ कहा जाए। तेणु अर्जुन प्रथम नंबर श्लोक भगवान को छोटी प्रश्न करुछन्ते। फास्ट प्रश्न कौन प्रकृति कौन, सेकेंड कौन पुरुष किए, एवं तापर क्षेत्र कौन, क्षेत्रज्ञ कौन। माताजी टिके रिपीट करंदो नेटवर्क किछ सुबा जाउने ठीक रे। ओके तो प्रथम श्लोक रे भगवान अर्जुन भगवान को छोटी प्रश्न करुछंती। छोटी प्रश्न देखंतु आपण पारे जदि भगवद गीता थिबो आपण अनुवाद रे देखि पारिबे। फास्ट कोन प्रकृति कोन अर्जुन पचारचंती जे प्रकृति कोन, सेकंड पुरुष पुरुष किए एवं क्षेत्र किए क्षेत्रज्ञ किए ज्ञान कोन ज्ञेय कोन। एई छोटी प्रश्न अर्जुन भगवान कृष्ण को पचारुछंती। प्रथमे आम जानवा जे क्षेत्र कौन भगवान कौन कहे यही शरीर को क्षेत्र बोली कहा जाए। आम जो शरीर यही शरीर को क्षेत्र बोली कहा जाए एवं ये क्षेत्र को जे जानी थाए ताकू क्षेत्रज्ञ अर्थात ये क्षेत्र रो स्वामी जे ताकू आम क्षेत्रज्ञ बोली कही था। देखु सपोज जे क्षेत्र जेपरी गोट आम शरीर को भगवान कौन कहले क्षेत्र अटे एवं ए शरीर स्वामी किए आम चेष्टा आमर स्वामी किए भगवान कृष्ण तो क्षेत्रज्ञ किए हेले भगवान कृष्ण अटंती। तेणु ये क्षेत्र जो आम मिली थाए आम जो अंतिम समय चर्चा करते अंतिम समय जेपरी चेतना रही थाए आमको शरीर सेपरि प्राप्त होता है जेपरी आम भरत महाराज एग्जाम्पल नहीं तो आम जेपरी अंतिम समय स्मरण रही था चेतना रही था आमको सेपरि क्षेत्र अर्थात शरीर प्राप्त होता है। शरीर अनुसार तार जो अभिलाषा सपोज बहुत ननभेज खाया इच्छा होती बाघर शरीर मिलू कि बहुत शोवापी भालुर शरीर किंवा बहुत एंजॉयमेंट करिया पाई इच्छा ताकू घुसरी रो शरीर भगवान प्रदान अर्थात जहाँ जो इच्छा से अनुसार ताकू क्षेत्र मिली थाए अर्थात क्षेत्र अर्थ शरीर शरीर मिली थाए जेपरी एग्जाम्पल देखा एवं से क्षेत्र में खुशी रही थाए
किपरि देख के एग्जांपल नबा केंचुआ जो जिया रही था केंचुआ रही था एग्जांपल नबा केंचुआ कौन कर माने सकाल रु राति पर्यंत केवल खाई थाए एवं सेक्स कर सोई थाए ये तीनोटी तार काम केवल खाइबा एंजॉय करिबा एवं सोइबा किंतु से खुशी होता है कारण एपरी क्षेत्र मिली से क्षेत्र तार निजर चेतना द्वारा मिली जो मत एपरी क्षेत्र आवश्यक तेनाली एपरी क्षेत्र मिलू से क्षेत्र पाई से खुशी होता है ठीक से पर सपोज आम देखा टाउन रे जो जमी घरे रही था अपार्टमेंट रही था अपार्टमेंट रे आम देखा घर पचरे कि छोट जगह थाए एमती ना गाँव में जमी आम घरे बहुत बड़ जगह थाए आग को बहुत खाली रही था कि आम जो टाउन रे देखा घर पचर कि छोट जगह रही थादी आम पा मैंने से छोट जगार से फ्री प्लेस खेली था बहुत आनंदित होता घरे बंद हवा अपेक्षा जो छोट फाका जगह रही मत से खेली से खुशी होता कि जो एवं एंजय कर खेली एंजय कर तेणु आम देखा जे जे से क्षेत्र अर्थात जो जगह टाइम ना क्षेत्र बोली नवा से जगह को आम क्षेत्र बोली नवा जिते पाटी खेलुची से जगार खेलु तो सी खुशी अच्छी एंजय कर अर्थात जो आमको जपरी से कहे मत एक प्लेस अच्छी मोपाई एत प्लेस ही अच्छी आधिक ना तेनाली से खुशी अच्छी ठीक से आम जपरी चेतना अनुसार जपरी क्षेत्र पाई अर्थात शरीर प्राप्त होता से शरीर जहा जो आम जमी के उदाहरण आम ने तो से आम सन्तुष्ट होता कि पिलाटी फ्री केमिटी फ्रीडम के तार देखो से जो फ्रीडम से पिलाटी जो खेल फ्रीडम के प्लेस मिली थाए से भितर खेली थाए तेणु फ्रीडम से भितर तार जो जे एतिकी भितर से सीमित प्लेस भितर खेल ठीक से आमको जो ये सीमित शरीर मिली ये शरीर आम जपरी कर्म करसार खुशी था एवं जपरी ये शरीर द्वारा आम कौन जो आगर जो कर्म करम फल आमको भोग करने पड़ी थाए जपरी जड़े कृषक जो क्षति चाष करें प्रथम बीज रोपण कर ठीक से जो क्षेत्र आम शरीर प्राप्त कर शरीर द्वारा आम कौन बीज को रोपण कर जो कर्म कर्म करम फल को आम या जपरी फल सपोज हो जाए कर्म फल आम भोग करता फल आकार अलरेडी ताकि कौन फल आकार कर्म फल को भोग करता अर्थात कर्म फल को भोग करता प्लस कौन कि बीज रोपण करता अर्थात आम जपरी एग्जांपल नहीं आम जपरी अर्डर देवा ऑनलाइन रे आमको से जिनस आसव अन्य जिनस आसव ना तेणु ये शरीर ये क्षेत्र परपरी कर्म करवा आग को आमको सेपरी शरीर प्राप्त हो तेणु क्षेत्र किए आपण माने जानिले क्षेत्र किए शरीर शरीर क्षेत्र किए ज्ञानी माने जे क्षेत्र को जानी चंदी हां जे क्षेत्र को जानी स्वामी भगवान भगवान किए क्षेत्र जे कारण देखंतु आमर जो क्षेत्र अर्थात आम शरीर कथा आमे जानी थाउ आपण भितर कौन एवं माइंड रे कौन चली फिलिंगस कौन आप कौन भावुँ मुझे कुछ कही पारि कि मु कौन भावी आपरे कहपर ना कारण आम शरीर कथा आम ही जानी था अन्य सहित कौन अन्य शरीर कौन हमें जापार ठीक से किंतु जे क्षेत्र मालिक अर्थात भगवान कौन कृष्ण परमात्मा रूप से प्रत्येक हृदय रही तेणु से क्षेत्र जी अटंती परमात्मा रूप से प्रत्येक कार्य मुख साखी किए हूँ भगवान कृष्ण से परमात्मा रूप से आम हृदय अच्छा तेणु भगवान कृष्ण हूँ कौन क्षेत्रज्ञ एवं आम हूँ क्षेत्र जेपरी आग काल देखा जिते बड़े किसी प्रजा राजा पाख को जाऊे जे महाराज मते मोर किछि मते चाष करिया पई जमी आवश्यक तेते बेले राजा पचारुथिले कोन जे तमो परिवार रे केते जन सदस्य बोली
ସେଇ ସଦସ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ଦେଉଥିଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତା ବଦଳରେ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ମତେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, କର ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଚାଲିବ। ଆଗରୁ ଏପରି କଥା ଥିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ରାଜା କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିର ମାଲିକ କିଏ ହଉଛନ୍ତି, ରାଜା। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ସେ କଣ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୃଷିଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଉଛି, ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଉଛି, ସେ ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ ହଉଛନ୍ତି, ରାଜା। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଏବେ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଆମେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କେବଳ ଜାଣିଛୁ, ନିଜ ଶରୀରର କଥା ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଶରୀର କଥା ଜାଣିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ର କଥା ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ତିନି ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାହେଲା, ରାଜାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ତିନି ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଏବଂ କିପରି ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି, ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ କଣ, କେଉଁଠାରୁ ଏହା ଉଦ୍ଭବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଣ, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ, ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଥିଲା, ଆମେ ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର ପାଇଲେ ଏବେ। ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି କଣ, ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୁଷ କିଏ, ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ, ଜ୍ଞାନ କଣ, ଜ୍ଞେୟ କିଏ କଣ। ତ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ, ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କଣ ଦେଖିବା, ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପରେ ଆମେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଇଯିବା, ଯେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କିଛି ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଆମେ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଅମର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଯଦି ହାତରେ ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ, ଆମେ ନିଜର ଆଖିର ପଲକକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କଣ, ଏଇ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଶରୀର କିଏ, ଆତ୍ମା କଣ, ପରମାତ୍ମା କଣ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା, ଏହା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କିଏ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସପୋଜ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 50,000 ଟଙ୍କା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ରକମର ସମସ୍ତେ ପଇସା ବାଲା, ଜଣେ 50,000, ଜଣେ 50 ଲକ୍ଷ, ଜଣେ 50 କୋଟି। ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ କହିବା ପଇସା ବାଲା ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାନ ସ୍ତରର ପଇସା ବାଲା ବୋଲି କହିବା କି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି କହିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟ, ଯୋଉ ପଇସାର ପରିମାଣ, ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ, ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କିଏ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନର ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିମାଣ ରହିଥାଏ। କାହାକୁ କିଏ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, କାହାର ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, କିଏ ପରମାତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। କାଲି ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିଲୁ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, କାହାର ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, କାହାର ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କଣ ଦେଖିବା, ଯୋଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ମିଳିଛି, ଆମେ ଚାରି ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ, ଏହା ହଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ କିଏ, ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ହେଇଛି ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ କିଏ ଜାଣିଲେ, କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ଜାଣିଲେ,
क्षेत्रज्ञ किए जाणिले ज्ञान कौन जाणिले एबे हम ज्ञ कोटिए रहिला जो ज्ञ रो अर्थ चारि नंबर क्षेत्र में देखिबा जे कर्म क्षेत्र गला तो शरीर तो आत्मा विषय आम कौन शरीर एवं आत्मर ज्ञान आम को जदि आम शरीर विषय ज्ञान ना से ज्ञान हूँ कौन अधूरा अटे अपूर्ण अटे तेणु जपरी आम चर्चा करते भगवान पर्यंत जो ज्ञान हूँ पूर्ण अटे ब्रह्म परमात्मा तक ज्ञान हूँ अपूर्ण अटे अधूरा अटे ठीक से जदि आम केवल शरीर ज्ञान को जानवा पूर्ण ज्ञान हाँ ना शरीर कौन आत्मा कौन ये ज्ञान को एवं आत्म साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति कौन आत्म साक्षात्कार को जानवा आवश्यक आत्म साक्षात्कार अर्थ कौन मीनती माताजी आप बतीत मीनती न मीनती माताजी ना आप जानते मुझे अन्य कई ट्राए कर आत्म साक्षात्कार अर्थ कौन आत्म साक्षात्कार अर्थ कौन मुए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड जदि आम ये आत्म साक्षात्कार को जिज्ञासा न करते जे पर्यंत से पर्यंत आम भक्ति आमर आरंभ भी करि परिबा नै आम निजक कर्ता बोली भाबिबा आम निजक कोनो आम कंट्रोलर भाबिबा जे आम घर रे कर्ता हो मो निजस्व इच्छा अनुसार मु कार्य करिबी तेणु आम समस्त को कोनो आत्म साक्षात्कार को जिज्ञासा करिया पई पड़िबो एहा होची भक्ति रो कोनो पिलर अटे जदि आम एहा जिज्ञासा करिया वास्तव रे तो आम भक्ति को आग को बढ़ी पार आम निज को प्रश्न करते कौन मीनती माताजी कहे प्रभुजी कहले मुए मोर भगवान किए भगवान मोर रिश्ता किस ए सब हूँ आत्म साक्षात्कार मोर मालिक किए राइट तो यह हूँ आत्म साक्षात्कार जे मुए आप लिखि रखे बारंबार भगवत गीता आत्म साक्षात्कार कौन किए फास्ट भगवान किए भगवान सहित मोर संबंध कौन वास्तविक मोर कर्तव्य कौन मोर मृत्यु पर कौठा को जीवी मृत्यु आगर कौठारू आसिली ये सब कौन फाउंडेशन आम निज को प्रश्न पचारे निज को प्रश्न पचारे भगवान भक्ति भल भाव कारण आम जाना आम भगवान सहित प्रकृत संबंध कौन कि आत्मार जो आत्मा हूँ नित्य कृष्ण दास जिते आत्मा भगवान कृष्ण सेवा करते ही आनंद प्राप्त करेणु जो आम समस्ते जो आनंद रोज रे अच्छे आनंद को खोजुचे संसार रे वास्तव आनंद कौठारे अच्छी जो आम आत्म साक्षात कर वास्तविक आनंद कौठारे अच्छी यह केवल भगवान धाम रही भगवान भक्ति रही आम भगवान भक्ति प्रकृत आनंद को आम अनुभव करें आत्मा एवं शरीर भितर आम ज्ञान ना आम ज्ञान हूँ अधूरा अर्थात ज्ञानी विभिन्न प्रकार अच्छे कि ज्ञान रतर समस्त अलग अलग देखा पांच नंबर श्लोक भगवान कहते भगवान अर्जुन को ज्ञान ज्ञान संक्षिप्त अर्थ देने ज्ञर केवल ज्ञर एनसर रहा ज्ञर अर्थ कौन जे ज्ञान द्वारा जहाँ जाणवा उचित ज्ञान द्वारा आम जहाँ जाणी था ज्ञान द्वारा आम कौन जाणी था जो आम ज्ञान आसला भगवद गीता पढ़ले ज्ञान आसला कौन जाणिले भगवान किए परमात्मा किए ब्रह्म किए आम प्रकृत आम कर्तव्य कौन अर्थात ये ज्ञान द्वारा जदि आम ज्ञान न था आम जान पार नु ज्ञान द्वारा आम आज जान लु जो वास्तविक भगवान के आम आज कौन भगवान भी कृष्ण भी भगवान अन्य देवादेवी भी भगवान आम जानी किंतु आम जो भगवत गीता पाठ कलु जान लु कौन कृष्ण ही भगवान कृष्ण भी भगवान नुहति
कृष्ण ही भगवान कृष्ण भी भगवान एथिरे कोन पार्थक्य आपण माने को तहार मन अछि देखि कृष्ण ही कृष्ण भी भगवान कृष्ण ही भगवान बोलतो ई से एकुटिया मार गोटिए तांग चढ़ाओ के ना कृष्ण भी भगवान कने 33 करोड़ देवता सहित शिव गोटे भगवान राइट वेरी नाइस प्रभु जी भगवान कने भगवान को छोड़ा आउ के भगवान सी होछने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ एवं तांको अंग प्रथम रु अनुमान राइट पूरा करेक्ट आंसर प्रभु जी देले तो आमे एई जो जिनिस को की परे जानी परले कोन से आज आमे जानिलु जे कृष्ण भी भगवान नदी कृष्ण ही भगवान आमे की परे जानिबो भागवत गीता रो ज्ञान करले जानिलु भगवत गीता को पाठ करलु हमर ज्ञान उदय हला ज्ञान द्वारा आमे जानिलु अर्थात ज्ञान द्वारा आमे जहां जानी थाउ जानी जानिबा वस्तु को कोन गेओ बोली कह जाय गेओ जो लास्ट आंसर थिला तो एपे मु एबो पचारी भी जे प्रकृति कोन जने जने कहे प्रकृति कोन फर्स्ट क्वेश्चन जो अर्जुन उत्तर देले भगवान कृष्ण कर्म क्षेत्र राइट कर्म क्षेत्र शरद प्रभु कहले कर्म क्षेत्र राइट पुरुष किए क्षेत्र भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण क्षेत्र किए शरीर शरीर बहुत सुंदर समस्त मन क्षेत्र किए नहीं क्षेत्र शरीर कहले क्षेत्र क्यों किए ज्ञान कौन शरीर आत्मा परमात्मा समस्त विषय जाने ज्ञान प्रश्न रो उत्तर पाइगले जहाँ भगवान अर्जुन को पचारिथिले छोटी प्रश्न रो उत्तर ओके आमे एबे देखिबा आपन विलंब गुण पर किया जाइछि सहिष्णुता जे आमे जानिलु जे एबे जो 22 श्लोक को जिबामे इंपोर्टेंट होची 22 श्लोक एबे या सब गुण विषय रे कहा जाईची आपण देखंतु 12 नंबर 8 नंबर 12 नंबर श्लोक केवल जणे ज्ञानी लोक जो माने सब गुण रहिची जे विनय भाव गर्वहीनता अहिंसा सहनशीलता एवं उपयुक्त गुरु को आश्रय करबा परिष्कार परिच्छन्नता स्थिरता एवं आत्मसंयम इंद्रिय भोग्य विषयवस्तु त्याग अहंकार शून्यता जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शन स्त्री पुत्र गृह आदि अनासक्त भाव अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति समान चित्त मो प्रति अनन्य भक्ति निर्जन स्थान रे बास लोक समूह तार दूर रे ज्ञान उपरे गुरुत्व आरोप एवं तत्व ज्ञान निमंते जिज्ञासा मु घोषणा करूछि जे ए सब ज्ञान अटे ए गुड़िक ठारु अलगा अन्य सब अज्ञान अटे तो वास्तव रे ज्ञान कोण जो 8 नंबर 12 नंबर पर्यंत रहिला जो आमर जण गोटे गोटे गुण जेमति अहिंसा सहनशीलता एवं सुख दुख रे संभाव रहिबा एवं अहंकार शून्य होबा किबा आमर अनासक्ति भाव रहिबा शासित न रहिबा एवं गुरुंकर गुरुंको गुरु ग्रहण करिया जने प्रामाणिक गुरु ग्रहण करिया तो एपरि जो गुण दिया जाय छे थारे ए हाउति वास्तव रे ज्ञान ये सब को छाड़ी देले जोटा कहले जे स्त्री प्रति पिला प्रति गृह प्रति अनासक्त भाव रहिबो एटा कोने भौतिक संसार संभव संतान प्रति एवं गृह प्रति माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी आपनको साउंड शांति माताजी थैंक यू माताजी एबे कुवंतु प्रभु जी
जो माने भगवान कहते जो कौन कौन गुण हवा दरकार विनय भाव गर्भहीनता अहिंसा सब रहा दरकार गोटे तार गोटे अच्छी स्त्री पुत्र गृह आदि अनासक्त भाव आम जेहेतु भौतिक संसार अच्छ स्त्री प्रति सतान प्रति गृह प्रति अनासक्त भाव कमी आस असम्भव कथा राइट प्रभु तो देखो अनासक्त भाव किपर आसब मुझे जे भगवान कृष्ण कौन कहते जेहेतु आम भौतिक संसार अच्छे समस्त प्रति आसक्त अटु कि भगवान कौन कृष्ण अर्जुन को कौन कहले जे तुम्हें अनासक्त भाव कर्म कर किपर फल आशा न रखी अर्थात से कहूना जे आप कर्तव्य को आप स्त्री प्रति कर्तव्य को छाड़ी दिखु गृहस्थ धर्म अच्छा आप कर्तव्य को छाड़ दिखु आप पा स्नेह करनी तो सी तो भक्त बसल सी तो आमको प्रेम शिखौं आम प्रेम किपर कर समस्त को तो आमको कौन पढ़ा कह जीवन केन्द्र में केवल कृष्ण को जोड़ी दबार अच्छे जिते बड़े आम कृष्ण को जोड़ी दबा से एमती समय आसब आम कौन भाव मोर स्त्री को मु भल पाइबी मो स्त्री भगवान मत भक्ति सहायता करने मो पुत्र को देखते भक्ति मत सहायता करने कि से भक्ति शिखेबी बोली मत कि साई मु भक्ति किपर आग को जीवी ये सब मन को सहायता करने मोर स्त्री पुत्र अन्य मान को भगवान मत प्रदान कर आज नाली से मोर सहायता कर बसिकी भगवान कथा श्रवण करेहेतु माताजी आप प्रसाद बनई दौंती गोटे प्रकार सेवा आपण क्लास रु उठिले प्रसाद पाँच तो यह कौन आपण को इनडायरेक्टली माताजी कृष्ण भक्ति साहय कर तेणु आपण स्त्री को घृणा कर भगवान तो आमको प्रेम शिखौं जे हे अर्जुन तुम्हें अहिंसा रुह अहिंसा अर्थ कौन भगवान कहते आप हिंसा कर बोली ना भगवान कहते तुम्हें प्रेम कर हिंसा कर सबकि बास केवल गोटे जिनस आमको जोड़ जे मो कर्ता नुह भगवान कृष्ण होती कर्ता जहाँ भी किसी मो पाखे अच्छी भगवान को कृपार मो पाखे अच्छे जहाँ भी मो सहित भल हम भगवान को कृपार हम जहाँ भी किसी मो सहित खराब हो मोर कर्मर फल जदि आप भक्ति कर विश्वास अच्छे भगवान भगवान कहते जदि पथर भले गोटे बड़ आकार सहित दुर्घटना घटवार अच्छी कौन गोटे स्मल गोटे स्टोन भाई आकार पथर से आपन को चली अर्थात जदि गोड़ काटिबा बड़ एक्सीडेंट होबार अच्छी गोटे छोट आघात गोड़ काटिबा तो आमको आम से रक्षा पाई यह से आम कौन भाव जे भगवान बहुत दयालु आमको बड़ विपद रक्षा कले मो सहित तो किसी बहुत बड़ घटना हबार घटवार भगवान कृपार आज बहुत छोट आकार तो आम जिते आम सहित किसी खराब हूँ भगवान को दोष न दे कौन कह मो कर्मर फल जिते आम सहित किसी भल हम यह हूँ भगवान कृपा बास दुईटी चेतना आमको रखार अच्छे जे मो सहित भल हूँ या भगवान कृपा मो सहित खराब हूँ ए जन्म नौ जन्म कर्मर फल मुझे कितु भगवान एत दयालु मो सहित किसी बड़ आकार हबार बहुत छोट आकार आज मो सहित बहुत बड़ दुर्घटना घटवार मो जीवन जीवार गोटे छोट एक्सीडेंट द्वारा भगवान मत आज रक्षा करदे यही चेतना जदि रोच अनासक्त रही भगवान भक्ति करा तो आम गृह त्याग छाड़ी पार भगवान कहते अर्जुन तमें जा जंगल ले जा तपस्या कर आवश्यक ना तमें निजर कर्म कर युद्ध कर अर्जुन कौन कह ना मु जंगल जी तपस्या करी आपण को भक्ति करी भगवान कहते नाई छाड़ा ना भगवान ना मुझको छाड़ी तमें तुम कर्तव्य कर भगवान आमको यह शिक्षा दौरान मध्य जी भगवान वास्तव में आमको कौन शिक्षा दौरान तेणु अनासक्त रही आम यक्ति भक्ति पथ आग को जापर जहा बास्तव में ज्ञान अटे 22 श्लोक कहते देखते सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दौरान जे एही प्रकार जीव प्रकृति रो पुरुष प्रकृति एही प्रकार जीव प्रकृति रो त्रिगुण को उपभोग करी भूत प्रकृति रो जीवन जापन करे भूत प्रकृति संसार आसीबा जो एपरी हुए तेणु से भल एवं मंद विभिन्न जीव जनि प्राप्त हुए सपोज आपण आम कि रोग होइछि आपण जदि
ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କଣ ରୋଗଟି ଦୂର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଯେତେ ବି ମେଡିସିନ, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, କଣ ତା କାମ କରିବ? କାମ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ, ମୂଳ କାରଣ କଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ଯୋଉ ବୀମାରୀ ହୋଇଛି, ଏ ବୀମାରୀ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଭବ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଆମ ଭିତରେ କଣ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ କଣ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେ ଏହା କଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିଥିବେ ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଗରୁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନି ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟୁ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟୁ। ତ ଆମେ କାହିଁ ନିଜକୁ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି, କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ? ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଂଶ ଅଟୁ, ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର କଣ ସ୍ୱରୂପ? ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ଦାସ ଅଟେ ଆତ୍ମା। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବିଥାଉ, କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେତକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ, ତାପରେ ଆମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ଗୁଣ, ସତ ରଜ ତମ, ଯୋଉ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କାଲି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଏଇ ଗୁଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କଣ, ଆମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। କିପରି? ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆଇରନ ଅର୍ଥାତ ଲୁହାକୁ, ଲୁହାକୁ ଆମେ ଗରମ କରିବା, ପୁରା ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ଲୁହାକୁ ପକେଇବା, ଲୁହାଟି ଏବେ କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଲୁହାର ଗୁଣ କିପରି ହବ? ଅର୍ଥାତ ସେ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯିବ ନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ନା ତରଳି ଯିବ ଲୁହାଟି, କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯିବ, ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ସେପ୍ ଚାହିଁ ଦେଇପାରିବା। ରାଇଟ, ଯଦି ସେଇ ଲୁହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପୁରା ଆଇସ ର ଗେଢା ରହିଛି, ପୁରା ବଡ ଆଇସ ଭିତରେ ସେଇ ଲୁହାକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଲୁହାଟିର କଣ ହବ? ଲୁହାଟି କଣ ହବ? ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଲୁହା ହଉଛି ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତରଳି ଯାଉଛି। ସେଇ ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ବରଫ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, କଠିନ ହେଇଯାଉଛି। ଲୁହା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟୁ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, ଆମେ କଣ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉ, ମାୟା ଦ୍ଵାରା ମୋହିତ ହୋଇଯାଉ, ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। କେବଳ ସପୋଜ ଆପଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଣି ଆସିଥାଏ, ସେ ପାଣିଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡୁଥାଏ ପାଣିଟି ବର୍ଷା ପଡୁଥାଏ, ପାଣି ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆସେ ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂଳି ଲାଗି ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଏ, ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ରାଇଟ, ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟି ପଡୁଛି ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭୂ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମାନେ ମାଟି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ ଏବଂ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟୁ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଉ, ଆମର ଚେତନା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏଇ ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଚେତନା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କାଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଯେପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହିବା, ଆପଣ ନାଇଁ ବୋର୍ ହେଇଯିବେନି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହିବା, ଯେ ଗୋଟିଏ ଥରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପଥରେ ଗୋଟେ ସିଂହଟି, ଗୋଟେ ସିପ୍ ମେଣ୍ଢା ପଛରେ ଗୋଟେ ବାଘଟି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ମେଣ୍ଢାଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ପଛରେ ସେ ଧାଉଁଥିଲା କଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ମେଣ୍ଢାଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା, ସେ କଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଡଉଥିଲା ସେ ମେଣ୍ଢାଟିର ମାନେ ଗର୍ଭପାତ ହେଲା, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏବଂ ବାଘ କଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମେଣ୍ଢାଟିକୁ ମେଣ୍ଢା ତା ମାକୁ କଣ ଖାଇଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ରହୁଛି, ନାଇଁ ସରି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବାଘ ବାଘଟିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହଉଛି ତା ମାରେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା କରିକି ଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଥିଲା ଏବଂ ବାଘର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାର ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ଥିଲେ, ମେଣ୍ଢା ପୋଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ବାଘ ଛୁଆଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାଘ ଛୁଆଟି କଣ ହଉଛି ସେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି ସେ କଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ମେଣ୍ଢା ଭଳି କଣ ମେଣ୍ଢାର ଯୋଉ ଆବାଜ ରହିଥାଏ, ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଆବାଜ କରୁଛି, ମେଣ୍ଢାର ଯେପରି ତାର ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ, ଯେପରି ତାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ, ବାଘ ଛୁଆଟି ବି କଣ ପୁରା ମେଣ୍ଢା ଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରହିଯାଉଛି ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଘ ଆସୁଛି ଏବଂ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଢା କଣ ଡରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ବାଘ ଛୁଆଟି ବି କଣ ସେତେବେଳେ ଡରିକି ବାଘକୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ଦୌଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ବାଘ ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଛି ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଢା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ବାଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଫସି ଯାଇଛି ବୋଲି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଣ ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମେଣ୍ଢାର ସ୍ୱର ଥାଏ ସେପରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଘଟି ସେଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ତାର ଅର୍ଥାତ ମେଣ୍ଢାଟି କଣ ଥିଲା ସେଇ ବାଘ ଛୁଆର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ବାଘଟି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ମାରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ଏପରି ଆବାଜ ଆସୁଛି ବାଘର ଆବାଜ ବୋଲି, ମାନେ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ବୋଲି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଂହର ଗର୍ଜନଟି ଆସୁଛି ସେ କଣ ବାଘଟିକୁ ସେଠାରେ ଛାଡି ପଳଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ମେଣ୍ଢା ସହିତ ଥିଲା, ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ତାର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହେଇଯାଇଥିଲା ମେଣ୍ଢା ଭଳି ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଯେପରି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେପରି ବ୍ୟବହାର ତାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ସେ ସେଇଆ ଖାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାଘକୁ ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଘକୁ ଦେଖୁଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସିଂହାର ସ୍ୱଭାବ ଆସିଯାଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ କଣ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ କିପରି କିପରି ଆସିଥାଏ ଆମର, ଯେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଆମେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟୁ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ କଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ମାୟାର ସଂସାରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ କଣ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଆମେ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆଜି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଏପରି ପରିବେଶରେ ରହିଛୁ, ଏଇ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ମୁଁ ସେଠି ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଯେ ବେଲା ଗେଲ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭଜନରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଲା ଗଲ, ଅର୍ଥାତ ବେଲା ଗଲ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଉଛି, ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଆମକୁ କଣ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଭାବି ଆମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଆଜି ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ପାଉଛେ, ଆମେ
एंजॉय करिया पई सब जिंस रे आमे निजो कोनो कर्ता बोली भावुचे आमे एंजॉय करिया पई चाहुचे सेथि पई आमे दुख पाउचे दुखर कारण कोन एंजॉयमेंट आमे निजो को कर्ता बोली भावुचे एवं भोग करिया पई चाहुचे जेतेले हमको भोगर वस्तु न मिलुची सेतेले आमे दुखित होई जाउचे तेणु आमको कोन वास्तविक रे ज्ञान कोन आमको जानिबार अछि तो आज आम जान ले जो छोटी प्रश्न अर्जुन जान ले तो आज आम क्लास आज एंड करवा पिलार एक्चुअली हॉस्पिटल किसी खाई हॉस्पिटल जस्ट आसी पहुंचला मु क्लास स्टार्ट कली तेणु क्षमा मागुची रईट साढ़े आठटे क्वेश्चन आंसर सेशन करवानी पिला खाइबा मागिलानी मु कृपा सिंधु पति नाम पावने वैष्णवे नमो नम अनंत कोटि वैष्णव की जयनिता गौ सीतानाथ विमान हरियाणा। Thank you.